दिल्ली में हो रही घोर हिंसा, जानमाल के नुकसान और हर रोज़ बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया, जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जान गई और एक पत्रकार सहित सैकड़ों अस्पताल में गंभीर इंजरीज के साथ बढ़ती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में चारों ओर हिंसा फैली है। कांग्रेस कार्य समिति सब परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हैं, जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों सदस्यों को खोया है, और कामना करती है कि सब घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृहमंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृहमंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हैं तथा जिम्मेदार हैं। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता से के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी है। कांग्रेस कार्य समिति देश की ओर से सवाल पूछती है। नंबर 1, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे? नंबर 2, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे और क्या कर रहे थे? नंबर 3, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई? नंबर 4, इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज़्यादा फैलने वाले हैं? नंबर 5, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे, तो पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया? द कांग्रेस वर्किंग कमिटी बिलीव्स दैट द सिचुएशन इज ग्रेव।
and it requires urgent action. Adequate security forces must be deployed immediately to bring the situation under control. Peace committees must be formed in every mohalla, consisting of members of all communities, to ensure that there are no untoward incidents. Senior civil servants must be deployed in each district to take charge of the administration, to ensure that the administrative machinery responds to the evolving situation. The Chief Minister of Delhi must be visible in the affected areas and in constant communication with the people. The Congress Working Committee appeals to the people of Delhi to reject the politics of hate and do their best in healing the rifts caused by these shameful events, to help rebuild all that has been lost, and to ensure that such events do not take place ever again. The Congress Working Committee calls upon all Congress workers and leaders to visit the affected areas to extend all possible support to the families of those who have suffered as a consequence of the violence, and to help build bridges between communities. This would be the most fitting tribute to Mother India.